नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जौनपुर के गौरावा शाहपुर में एक साल पहले हुए बादल हत्याकांड के दो आरोपियों पर मंगलवार को पेशी पर ले जाते समय बदमाशों ने ताबक तोड़ गोलियां चलाई। इस दौरान दो गोली तो मिस हो गई, लेकिन दो गोली पेशी पर जा रहे बंदियों को लग गई। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। घटना तब हुई जब पुलिस अभिरक्षा में दोनों को न्यायालय में पेशी करने के लिए ले जाया जा रहा था। धर्मापुर बाजार में दुकान पर अंडा खाने के दौरान 6 मई 2022 को ठकुरची धर्मापुर निवासी बादल यादव और उतरगांव निवासी अंकित यादव को चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। जिला अस्पताल ले जाने पर बादल यादव की मौत हो गई थी। उसी हत्याकांड में नामजद सत्य प्रकाश उर्फ सूर्य प्रकाश उर्फ गोलू राय और मिथिलेश गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों जिला कारागार में निरुद्ध हैं। मंगलवार को उस मामले में दोनों की पेशी थी। उधर से बादल के भाई व अन्य गवाहों को गवाही के लिए बुलाया गया था। दिन में करीब 12:30 बजे सत्य प्रकाश और मिथिलेश को पुलिस लेकर न्यायालय जा रही थी, तभी परिसर में पहुंचने पर ही बदमाशों ने ताबकतोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक गोली मिथिलेश के पीठ और दूसरी गोली सत्य प्रकाश के हाथ में लगी। भीड़ ने आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया, तब तक पुलिस ने भी उसे हिरासत में ले लिया। एसएसपी सिटी ब्रिजेश कुमार गौतम ने बताया कि एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, घायल का इलाज चल रहा है। थाना गौरव बादशाहपुर में वर्ष 2022 में एक प्रधान की हत्या हुई थी, जिसमें दो अभियुक्त मिथिलेश गिरी और सूर्य प्रताप ये गिरफ्तार हुए थे। वही दोनों अभियुक्त आज तारीख पर आए हुए थे, तो ये लॉकअप से तारीख कोर्ट के लिए जा रहे थे कि रास्ते में एक अभियुक्त है श्रवण कुमार, उसने रिवाल्वर से फायर कर दिया, जिससे घायल हो गए। और इनके साथ लॉकअप से जो आरक्षी ले जा रहा था, उसने कड़ी मेहनत करके मजरूह को बचाया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिया। कई लोगों को गोली लगी है, एक को लगी है। अधिवक्ताओं का कहना है कि हमने पूरी संख्या में अधिवक्ता थे, उन्होंने बचाया है। और उस दीवानी की सुरक्षा कैसे है, वहाँ सिक्योरिटी के लिए लगाया गया वो भी खराब पड़ा हुआ है, पैसे में असलाह कैसे अंदर है? हमारे अधिवक्ता भाइयों ने जो कहा है वो सही कहा है। जब उसने फायर किया, जो साथ पुलिस वाला चल रहा था, उसने उसको पकड़ा, बचाया, उसके ऊपर लेट गया। अधिवक्ता भाई लोग भी पास में थे, इन्होंने उसको कवर किया, जिसके कारण वो पकड़ा जा सके। यहाँ के अधिवक्ताओं का कहना है कि आपकी पुलिस छोड़ के भाग गई थी, अधिवक्ताओं ने बचाया। हमारे पास बयान, पूछ लीजिए किसी से, पूछ लीजिए। जो साथ जा रहा था उसने उसको पकड़ा है, जो साथ जा रहा था उसने उसको पकड़ा है, उसके शर्ट पर अभी ब्लड लगा हुआ है। सर, बड़ा सवाल, दीवानी की सुरक्षा कैसे देखते हैं? यहाँ फोर्स लगाई जाती है, डिप्लॉयमेंट है, तो लोग कैसे कैसे हल्ला अंदर आए, ये बताइए हमको बस। दीवानी परिसर के जो चार गेट हैं, सभी पर पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था है। अभी किस गेट से आया है इसकी जाँच की जाएगी। तो अभी क्या जो यहाँ से तैनात सिपाही है, उनको कोई कार्रवाई होगी, कैसे ही चलेगा? अभी जाँच करके उसके अलग कार्रवाई। कुल कितने घायल हैं अभी इस मामले में? गोली से दो घायल, अभी तक मुझे जहाँ तक जानकारी हुई है, दो का घायल होना बताया गया, अभी उसका और आगे जांच कर रहे हैं। जो आरोपी जो गोली यहाँ चलाने आया, तो वो भी घायल है क्या? अधिवक्ताओं जब पकड़ा है तो मारपीट की बात आई, क्या वो भी घायल है? अभी इसको देखते हैं। कोर्ट परिसर में गोली चली है क्या, पूरा मामला क्या था? कोर्ट परिसर में गोली चली है क्या, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि एक हत्या का मुकदमा चल रहा है धर्मापुर बाजार में, क्या थी अंडे की दुकान पे अंडा खाने को विवाद को लेकर, उसमें तीन लोग मिलते हुए सत्य प्रकाश राय, मिथिलेश गिरी, विपिन यादव। उसमें इन्फॉर्मेंट जो वादे मुकदमा था, जिसके पक्ष के लोग मरे हैं, उसका नाम श्रवण यादव। उसमें मुकदमे में गवाही चल रही है, उसी मुकदमे में जीरा हो रही थी, आज वादी मुकदमे की जीरा हो रही थी। उसी दौरान पेशी के समय, मुलजिमान की पेशी के समय मुलजिमों को वादी की तरफ से गोली लगी। कितने लोगों को गोली लगी है इसमें? ये दो मुलजिम हमारे साथ हैं, हम दो मुलजिमों का मुकदमा देख रहे हैं, जिनमें दोनों को एक कंधे, सत्य प्रकाश राय को कंधे पे गोली लगी हुई है, मिथिलेश गिरी को हाथ।
क्या दोनों पकड़े गए हैं जो गोली चलाए हैं? वो ऑलरेडी जेल में बंद है, वो मुलजिम है ना, वो तो मुलजिम है मुकदमे में, वो ऑलरेडी जेल में बंद है। जो मारने आए थे, मारने आए थे, एक पकड़ा गया है और दो लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि दो नहीं। सुरक्षा व्यवस्था की वजह से अगर देखा जाए कोर्ट परिसर में, सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से देखिए, ये प्रशासन का काम है, शासन का काम है, ये शासन अपना अपने स्तर से करता है, कर भी रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आए दिन दीवाने में असलहे और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, कैसे आती हैं ये प्रशासन अपना अपने स्तर से इसको देखे, इस पर हमारा हम अधिवक्ताओं का कोई कमेंट नहीं। जेल पर स्कैनर लगा हुआ है, कोई चीज लाने के न ले जाए, इसके बारे में प्रशासन से पूछे उस स्कैनर का कितना वो प्रयोग करते हैं, कितनी उसमें क्षमता है, कैसे आता, ये प्रशासन की बात है। आप लोगों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, आप बताइए कि क्या यहाँ पे इतना सिक्योर अपने आप को मानते हैं? इसका आज की घटना होगी नहीं, जब जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से सिक्योर नहीं माना जा सकता। आज की घटना जो है एकदम ही गलत है। आज की अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।